आज हम लोग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ ने किस तरह से ग्रोथ किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ ने कम्युनिटी एरिया में किस तरह से ग्रोथ किया है कि कहीं ना कहीं जो भी साइकेट्रिक फैसिलिटी हुआ करती है वो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हायर कंट्रीज़ में अवेलेबल, हायर सिटीज़ में अवेलेबल, बट अब क्या धीमे धीमे उनको हर छोटे छोटे क्षेत्र तक क्या है पहुँचाया गया और किस तरह से पहुँचा गया उसके बारे में हम देखें कि इसमें कम्युनिटी साइकेट्रिक डेवलपमेंट के अंदर की क्या होता है कि मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है जो फैसिलिटी है उनका किस तरह से विकास हुआ है कम्युनिटी एरिया में, कैसे सर्विस सेंटर कैसे किस तरह से सर्विसेज अवेलेबल कराई हैं PSC पर CSC पर, किस तरह से हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुए, मतलब किस तरह से एक एरिया में मेंटल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ उन सब के बारे में हम देखते हैं किसमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के अंदर। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि मतलब जो हॉस्पिटल सर्विसेज का क्या कम्युनिटी एरिया में विकास होना या ग्रोथ करना उसको हम बोलते हैं क्या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट। देन हम देखते हैं इसके फेजेस कि ये किस तरह से कितने फेज़ों में डेवलप्ड हुई सर्विसेज, तो मेनली 5 फेज थे। इतने 5 फेज़ों में क्या हुआ था कि हॉस्पिटल्स सर्विसेज क्या हुई कम्युनिटी एरिया में प्रॉपरली ग्रोथ हो पाई, कितने फेज में 5 फेज में, फर्स्ट फेज में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, फिर इन सभी फेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या न्यू चीज़ें ऐड की कम्युनिटी में साइकेट्रिक से रिलेटेड, उन सबके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं किसमें फेजेस में। हम देखते हैं फेजेस में क्या है, फर्स्ट फेज होता है कॉलोनियल पीरियड, जो कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पे क्या किया साइकेट्रिक को एक अंधविश्वास या बुराइयां या बुरी आत्माओं का श्राप वगैरह ये माना जाता था, बट यहाँ पे कुछ लोगों ने रिसर्चर ने और साइंटिस्ट ने देखा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई मानसिक रोग है। इन सबको देखते हुए कॉलोनियल पीरियड में क्या किया इस्टेब्लिश ऑफ ल्यूनेटिक असलम्स, तो एक असलम्स एक ऐसे हॉस्पिटल हुआ करते हैं, मतलब इनको एक तरह का हॉस्पिटल ही बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था बट जो रोगियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, उन्हें कुछ डांट पीटना मारना इस तरह से उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाती, जो उनके अंदर जो आदत थी उनको इस तरह से सही करने की कोशिश की जाती थी किसमें कि फेज फर्स्ट में या कॉलोनियल पीरियड के अंदर, मतलब कुछ ऐसे हॉस्पिटल टाइप्स के बनाए गए जहाँ पर जो मेंटली इल पेशेंट है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको वहाँ पर रखना, उनको बांध कर रखना जंजीरों से या उनको क्या करना इस तरह से रखते थे, देन फिर उनको पीट कर मार कर उनको कुछ ये ना देकर उनकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने की कोशिश करते थे इसमें कॉलोनियल पीरियड में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है फेज सेकेंड ड्यूरिंग 1950 में देखा कि क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिले 1950 के बाद कि 1960 तक के बीच में, तो इस्टेब्लिश मेंटल हॉस्पिटल एट बेंगलोर, मतलब इस सेकंड फेज में क्या किया था कि कुछ हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए गए थे, क्या किए गए थे कुछ हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए थे, कौन से मेंटल हॉस्पिटल यहाँ पर मेंटली इल पेशेंटों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके और अच्छे से उनको केयर प्रोवाइड कर सके, तो उसके लिए क्या करें कुछ हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए गए इंडिया के अंदर कुछ जगह, कहाँ पर बेंगलोर में, कब किया था 1954 में, तो सबसे पहले कहाँ बेंगलोर में किया गया था 1954 में, नेक्स्ट अमृतसर में किया गया था 1947 में, देन हैदराबाद में 1953 में, नेक्स्ट श्रीनगर में 1958 में एंड जामनगर में 1960 में, इस तरह से क्या है ईयर में हर ईयर मतलब कहीं ना कहीं ईयर वाइज क्या गया हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया गया, तो सबसे पहले कब किया था कहाँ पे किया था 1947 में कहाँ पर अमृतसर में हुआ था फर्स्ट हॉस्पिटल, देन फिर उसके बाद कहाँ पे हुआ था हैदराबाद में 1953 में, बेंगलोर में 1954 में, देन श्रीनगर में 1958 एंड जामनगर में 1960 में, इस तरह से क्या हुए थे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए गए थे कौन से फेज में सेकंड फेज के अंदर, मतलब हॉस्पिटलों पर फोकस दिया गया। थर्ड फेज ड्यूरिंग 1960, तो इसमें क्या किया गया था किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया ग्रोथ ऑफ जनरल हॉस्पिटल, मतलब एक जनरल हॉस्पिटलों का ग्रोथ करना कि मतलब ये कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल थे, फिर क्या है कि हर हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए, मतलब एक जनरल हॉस्पिटल ऐसे ओपन किए गए जहाँ पर पेशेंट को आए और ट्रीटमेंट लेकर जा सकते थे, मतलब एक जनरल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए कब
1916 में। नेक्स्ट हम देखते हैं फेज, नेक्स्ट फेज फोर्थ वो कब था 1970 से, कि कब तक इसमें क्या किया, किस तरह से क्या क्या चीज़ें नई ऐड की। तो जनरल हॉस्पिटल टू दी पीएससी एंड सीएससी, जो साइकेट्रिक जो मेंटली इल पेशेंट को ट्रीट करने की जो सुविधाएं जो सर्विसेज थी वो जनरल हॉस्पिटल से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक भी पहुंचाई गई, जिससे कि कम्युनिटी एरिया में रहने वाले लोगों को भी ट्रीटमेंट आसानी से मिल सके और प्राइमरी हेल्थ एक छोटे और उनसे भी छोटे एरिया में रहने वाले लोगों को भी अच्छे से आसानी से क्या मिल सके, साइकेट्रिक के बारे में उपचार और ट्रीटमेंट मिल सके। तो मतलब जनरल हॉस्पिटल से सीएससी एंड पीएससी लेवल तक क्या किया गया था, इन सुविधाओं को स्टार्ट किया गया या सर्विसेज को स्कीम को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकें और साइकेट्रिक कंडीशन के बारे में पता कर सकें और उनके बारे में नई नई रिसर्च कर सकें। इसलिए ये क्या किया कि जनरल से पीएससी और सीएससी लेवल तक भी क्या किया, इन सुविधाओं को स्टार्ट किया था 1917 में। नेक्स्ट है फेज फिफ्थ ड्यूरिंग 1990, तो 1919 में क्या किया था कि ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन साइकेट्रिक सर्विस, मतलब पहले गवर्नमेंट सेक्टर था, फिर धीमे धीमे क्या किया प्राइवेट सेक्टर में भी इनको ग्रोथ करना स्टार्ट करें, मतलब प्राइवेट डॉक्टर भी बैठ सकते, मतलब प्राइवेट भी इनके कुछ हॉस्पिटल वगैरह स्टार्ट किए गए थे, जिससे हम ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इतने हो गए कि हम सभी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, तो उस के देखते हुए क्या हुआ कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी इनमें सारी सुविधाएं स्टार्ट कर दी, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ किया प्राइवेट सेक्टर इन साइकेट्रिक सर्विस, मतलब प्राइवेट जो हॉस्पिटल हुआ करते वहाँ पे या प्राइवेट संस्थाएं वहाँ पर भी साइकेट्रिक सुविधाएं प्रारंभ कर दी थी। कब 1950-90 में। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कंसल्ट साइकेट्रिक, मतलब कुछ प्राइवेट डॉक्टर भी बैठना स्टार्ट हो गए, छोटे क्लिनिक भी स्टार्ट हो गए थे, जिससे कि लोग मिल सकें और अपनी छोटी मोटी समस्या को ट्रीटमेंट करा सकें, छोटे सा छोटा स्मॉल डिप्रेशन है किसी को, मेनिया है, सिजोफ्रेनिया है या इस तरह पे किसी भी टाइप का छोटा डिसऑर्डर है उसका इजीली ट्रीटमेंट मिल सके। उसके लिए क्या प्राइवेट सेक्टर को भी क्या किया स्टार्ट किया था लास्ट फेज में। तो टोटल कितने फेज थे, 5 फेज में हुआ था क्या डेवलपमेंट की। फर्स्ट में क्या हुआ था, एक ऐसे हॉस्पिटल इस्टाब्लिश किए जिसमें हम लोगों को कैदियों की तरह रखते और उनको मार पीट कर सही करने की कोशिश करते। सेकंड फेज में कुछ हॉस्पिटल स्टार्ट किए गए थे सभी जगह, कुछ कुछ जगहों पर। देन थर्ड फेज में क्या किया था, ग्रोथ किया ग्रोथ ऑफ जनरल हॉस्पिटल, मतलब एक जनरल हॉस्पिटल भी इस्टाब्लिश करना स्टार्ट करें, मतलब जनरल हॉस्पिटल में भी साइकेट्रिक फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट फोर्थ फेज में क्या हुआ कि जो जनरल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे भी प्रोवाइड कराने लगे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी फैसिलिटी अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें और कम समय में अच्छे से केयर दे सकें। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ फेज था, उसमें क्या था प्राइवेट सेक्टर पे भी फोकस किया कि जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट भी ओपन कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी ओपन हो सकते हैं और प्राइवेट कंसल्ट भी कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर बैठ सकते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फिफ्थ फेज में स्टार्ट किया था। तो आज हम लोगों ने देखा था क्या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में, कि किस तरह से कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ का विकास हुआ, मतलब मेंटल हेल्थ की सुविधाओं का बढ़ना कहाँ पर कम्युनिटी एरिया में, उसको हम बोलते हैं क्या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट, मतलब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्कीम है जो भी सर्विसेज हैं जो भी ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, उसको हम बोलते हैं क्या कम्युनिटी साइकेट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया और उसमें हमने उसके फेजेस के बारे में देखा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।